गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। अज असी बना रहे हैं शाही पनीर। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने लगे हैं। कम तो कोई नहीं सी पर मैं बिजी बहुत सीगा। तो ये जेडे आ शाही पनीर लिए मेन इनग्रीडियंट्स है वो आप देखते हैं। थले सब तो पहला तीन प्याज, जिन्हें प्याज तो तीन प्लस चार तो पाँच ये टमाटर चाहिए वड्डे साइज़ के, चार ले लो जे मीडियम साइज़ पाँच ले लो। अदरक 100 ग्राम के करीब, 50 ग्राम के करीब लसन, काजू, मेथी, दालचीनी, काली इलायची, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च, प्लस नमक, दूजी कश्मीरी मिर्च, तो हल्दी, तो रिफाइंड ऑयल। आप सब तो पहले शुरू करते हैं इन्हों, रिफाइंड ऑयल गैस ऑन करके ये थोड़ा जहा रिफाइंड ऑयल पाते हैं। हूँ प्याज जड़े आ इन्हों थोड़े चार चार पाँच पाँच पीसा विच कट लेना इन्हों। इन्हों असी सारे इतने थोड़े ड्राई रोस्ट करने हैं, प्याज थोड़े पक जाए ता कि आप जो ग्रेवी बनाईए इन्हों विच कोई कच्चापन ना रहे। इन्हों प्याज थोड़ा जहा ड्राई रोस्ट इतनी करना। साढ़े प्याज हो गए हो रहे हैं जी, जाती असी अपने टमाटर तैयार करते हैं। इन्हों छोटे छोटे पीसिस कर लें। शाही पनीर कई तरीके बनता, कोई वाइट ग्रेवी च बना, कोई रैड ग्रेवी च बना, पर जो पंजाबी स्टाइल आ रेस्टोरेंट स्टाइल आ असली जोड़ा यह है ऑरेंज ग्रेवी हों, तो आप उ सेम पैटर्न करेंगे यूज। ये काफ़ी रिच होंगी ग्रेवी क्योंकि ये जिमें काजू पेंदे आ, क्रीम पी, बटर पैंदा, तो इन्हें थोड़ा बहुत वर्कआउट भी कर लेना चाहिए जो खा के। मेरे मामू उस दिन कल बैठे रहो खा पी के ता कि डाइजेस्ट हो जाए। और प्याज भी आप नार नार करते हैं, थोड़े थोड़े प्याज हो रहे हैं। असी हुण नाल नाल एक एक करके इहदियां दो तीन रेसिपीज तुहानू नराते चल रहे आ वेज वेज च दवांगे, जिहदे विच एक तो इंस्टेंट हैगा आ पनीर बनना, वो तो 2 मिनट से पनीर बन बनाओ तो खाओ, कोई उहदे विच कोई मसाला नहीं पैंदा, कोई कुछ नहीं, वह भी आप एक दो दिन विच बनावांगे। 3-4 रेसिपीज जिहड़ी वेज च हुण आपां अगे उत्ते उत्ते आपां पावांगे। इहदे विच पा दो अपने अदरक आ गया, लसन, ड्राई मसाले, हाँ एक गल जरूरी है ये पानी बिल्कुल नहीं आप पाना, जिहड़ा बटर सॉरी जिहड़ा अपने शाही पनीर है उहदे विच पानी नहीं बिल्कुल भी पैंदा। आपां काजू पाते इन्हां नूं नाल ड्राई रोस्ट करते हैं थोड़े जिहे, इन्हूं 2-4 मिनट ज़्यादा नहीं, इन्हूं करके इन्हूं तुसीं खाण लई चपाती भी लै सकते हैं, बटर नान, प्लेन नान, गार्लिक नान, सारा कई आपां ग्रेवी वैसे पंजाबी जिहड़ी हुंदी आ इह स्टाइल इस थिक ग्रेवी आप यूज करते हैं फिर पतली नहीं, पर उस नाल भी आप थोड़ी जी नॉर्मल जी रख के आप राइस भी ले सकते हैं। हो गया जी, ये आप हूँ पा दें टमाटर साढ़े इन्हों नाल कर दें। टमाटर पाने तो बाद थोड़ा जहा आप नमक ये पा दीए ता कि जल्दी जड़े वो हो जाएंगे टमाटर सॉफ्ट।
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਾਈਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵੀਟਨੈਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਟਨੈਸ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਸੌਫਟ ਹੋ ਗਏ ਟਮਾਟਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਕਸੀ ਜਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਬਟਰ ਅਤੇ ਪਨੀਰ। ਪਨੀਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੀਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਨੀਰ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਰ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗ੍ਰੇਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਤਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਰਾਬ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਇੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਕਸੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਮਿਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਚਿਆ ਰੇਚੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਟਰ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟਰ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੇ ਲੱਛੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਚਲੋ, ਸਾਰਾ ਡਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਚਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ
लास्ट विच जिहड़ा बाकी पनीर पाउण तों पहिलां आपां इहदे विच कसूरी मेथी जिहड़ी इह पा दई है तां कि इहदा फ्लेवर सारा इहदे विच आ जावे। ये साडा हो रहा है पनीर जिहड़ी ग्रेवी आ पनीर जिहड़ा हैगा ये असीं कच्चा पाउणा कई आपां थोड़ा फ्राई करके पा लैंदे आ वो ज़्यादा जिहड़ा चीज़ चिली बनाउणा उहदे विच ठीक रहिंदा आ। ये आपां कच्चे पनीर पावांगे इहदा ही अलग फ्लेवर इहदा हुंदा आ ते इनू पकाने की लोड़ नहीं ते ना इनू क्योंकि बहुता हिलाना नहीं आपा जो पाए जाना लास्ट में ग्रेवी पक जानी है फिर आप थोड़ा जिहा शहद पा के सौ अपने स्वीटनैस लिए अद्धा चम्मच शहद का पा के पा देना पनीर तो अपना तैयार हो जाना है। वो असी चल रही है आप लास्ट में देखते हैं हम बन रही हो थोड़ी जी होर पकनी है जे हाफ तो पहुंची है इन थोड़ा लाल गल आ गई तो आ जाना ये ग्रेवी तकरीबन तैयार हो गई है थोड़ी गाढ़ी आ आप हूँ इन गाढ़ी के हिसाब न जिदा आप जिनी कि करनी है पतली थोड़ा आप पानी हूँ यूज कर सकते हैं क्योंकि ग्रेवी पक गई है हूँ इतने कोई असर नहीं होएगा आप पानी कर पाते हैं देखते कि आप पतली करनी उस हिसाब ना आप पानी होर पा देंगे जनू बस करा थोड़ा जहा होर पानी पाइए क्योंकि अजे तक इन्हें होर गाढ़ी होना है बस इन मैं लगता बनाने नालों या खाने नालों बनाने से ज़्यादा स्वाद आता है कल कल स्टैप ये करने बड़े आराम नाल बड़े ठरमे नाल पेशेंस नाल ये बनता आप एक भी इन गलत स्टैप कर लिया तो सारा यदा टेस्ट खराब हो जाना है आप पनीर का। हूँ आप लास्ट विच ये शहद पाते हैं छोटा एक चम्मच तकरीबन बस इन्ना एक सिर्फ स्वीटनैस लिए आप पाना है होर कोई यदा है नहीं गा आप शहद ना हो खंड भी पा सकते हैं और मिक्स कर लो चंगी तरह हो गया बिल्कुल वधिया। हूँ आप लास्ट विच ये पाते हैं पनीर इन थोड़ा थोड़ा हिलाते जरूर रहो ताकि लास्ट विच जिहड़े पक्के हुंदे आ मसाला कोई थले ना लग जाए सारा बन गया। हूँ आप इस लास्ट में आप पनीर पा के तो दो मिनट लिए हिलावे तो अपना तैयार लो इन मिक्स कर लो इन ज़्यादा नहीं हिलाना क्योंकि पनीर टुटन का डर रहा कच्चा पनीर हों पर तलिया नहीं है देखो ऑलमोस्ट तैयार हो गया थोड़ा गाढ़ा सीगा इस करके असी थोड़ा जिहा मैं पानी पा लिया सीगा जिन्हें अपने लोड़ मुताबक तुसी पानी पा लेना और लास्ट विच इहदे आपां पाईए क्रीम चार तो पंज चम्मच इहदे क्रीम दे पैणे इहनूं हुण आपां इक लास्ट इहदा प्रोसीजर इहनूं मिक्स कर दईए थोड़ी जिही गैस फ्लेम तेज़ करके कलर देखो कितना सोहना बिल्कुल ऑरेंज कलर आ गया ये लो जी ये असी साडा तैयार। लास्ट विच आपां इहदे धनिया पा सकते हैं जे तुसीं लोड़ समझो ना बहुत तां वी कोई नहीं पर इहदा थोड़ा फ्लेवर वधिया आ जांदा आ एक चम्मच धनिए दा इहनूं आपां मिक्स करके ते इहनूं बंद कर देना साडा तैयार लो जी मिक्स हो गया साडा शाही पनीर तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल देखो बिल्कुल कलर ऑरेंज कलर और फ्लेवर पूरा ये उही आएगा जो असी रेस्टोरेंट खाते उस तो वधिया होएगा। प्लीज़ इनू लाइक सबसक्राइब तो शेयर जरूर कर दिया करो काफ़ी देर बाद आई है वीडियो सॉरी हूँ असी जल्दी तो जल्दी कोशिश करेंगे जी वेज नरातियां नूं ध्यान रखते हुए वेज स्पैशल आप रखे आप तीन चार रेसिपीज़ जेडियां वेज शेयर करेंगे थोड़े तो नाल।